कहाँ गई थी आप? आप जानती हैं रानीसा की तबीयत कितनी खराब थी, सीढ़ियों से गिरने वाली थी वो। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो डॉक्टर साहब हमू देखिए उन्हें उठा नहीं जा रहा हूं उसे, ऐसी हालत में छोड़ के चले गई आप उन्हें। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप रानी? अरे भरोसा किया था मैंने आप पर, ये आपने सही नहीं किया रानी। बताइए मुझे कहां गई थी आप? रानीसा की तबीयत से ज्यादा जरूरी क्या आ गया था आपको? क्या काम था मुझे जानना है। और कितना इंतजार कराओगे? अब बोल भी दो, वो सब जो हमने प्लान किया था क्लाइमैक्स तो तभी होगा ना जब तुम सच बोलोगे। मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के चले गई आप, कहां गई थी? अरे बताइए कहां गई थी? बाऊजी से मिलने गए थे। मैंने वादा किया था ना आपसे कि वापस आकर खुद ले जाऊंगा मैं आपको, तो फिर क्यों गई आप? ऐसी क्या मजबूरी थी रानी जो इतना जल्दी आपको जाना पड़ा? थोड़ी देर और नहीं रुक सकती थी आप? उस समय अगर हम रुक जाते तो शायद अपने बाऊजी को खो देते डॉक्टर साहब, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये सब रानीसा का साजिश है। और अगर आपको सच बता दिया तो आपके दिल को कितना दर्द होगा वो हम नहीं देख सकते, टूट जाएंगे आप। हाथ धोती है रानी, हाथ। ब्रो रिलैक्स, आप ऐसे नहीं। विक्रम आज मैं किसी की बात सुनने के मूड में नहीं हूं, सो प्लीज आप कुछ नहीं बोलेंगे। हर बार आपकी गलतियों को आपकी नादानी समझ के मैं जाने देता था, आज अगर रानी सब को कुछ हो जाता, वो सीढ़ियों से गिर जाती, बहुत ज्यादा चोट लग जाती तो क्या करते हम सब? माफी चाहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हमारा वहां जाना जरूरी था। रानी सा की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है रानी। हम क्या दुश्मन है रामू काका के? 20 साल दिए उन्होंने इस घर को, हमारे परिवार का हिस्सा है वो। हम सब कोशिश कर रहे हैं, विक्रम मैं रानीसा सब कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। हम सब चाहते हैं कि आप खुश रहें। रानीसा खुद गई थी लॉयर से मिलने को, आपके लिए वो इतना सब कुछ कर रही हैं और आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकी उनके लिए। ऐसी क्या मजबूरी थी रानी? चुप खड़ी आप, बताइए। वीर बेटा आराम से, हमारी घर की बहू रानी है ये, इस तरह मत चिल्लाओ, हमें बुरा लगता है। सुन रही हैं? ये होती रिश्तों की कदर। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आपकी फिक्र कर रही हूं, अपनी नहीं। आपने क्या किया डॉक्टर साहब? हम आपसे कह रहे हैं ना, हम वहां गए थे क्योंकि हमारा जाना जरूरी था। अरे जरूरी था, जरूरी था, जरूरी था लगा रखा आपने सिर्फ। क्या जरूरी था रानी? पॉइंट सिर्फ इतना है रानी कि अगर आज रानी साहब को कुछ हो जाता ना, और अगर वहां हमारे बाऊजी को कुछ हो जाता तो क्या मतलब? रामू काका जेल में है, पूरी प्रोटेक्शन के बीच, तो फिर कहना क्या चाह रही हैं आप? तबीयत खराब है उनकी,
खराब है तबीयत? नहीं। केस में कोई नया टर्न आया है? किसने कुछ कहा आपसे? फोन आया था आपको? उनकी जान को खतरा है? कहिए ना कुछ, जवाब दीजिए मुझे। नहीं। तो फिर क्यों गई आप? क्यों गए आप? मैं बताता हूं क्योंकि आपको सिर्फ अपने बाबूजी की फिक्र है, रानी सा की नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर वहां जेल में हमारे बाबूजी की जगह आपकी रानी सा होती तो भी आप रानी? हम यहाँ पे अंदर फंस गए, कोई है? हेल्प मी। दरवाजा, कोई और तो होगा। जाके बहुत बड़ा बन गया है। हाँ, कुछ भी बोलेगा। यहाँ आने की वजह क्या है? सबके सामने तो बड़ा जुबान चला रहे थे, अब बोलती बंद हो गई। अरे बताए तो कि तेरे जन्मदिन के लिए आए हम यहाँ। कुछ तो शर्म कर बिरजू, बचपन से जानते हैं हम तुझे, हमसे झूठ मत बोल। अगर सच में जन्मदिन के लिए आया होता तो हंसी खुशी आया होता, इस तरह सबके सामने तमाशा नहीं करता तू। एक तो डॉक्टर साहब अकेले कितना कुछ संभाल रहे हैं और तू है कि हाँ बस बस, तुझे तो अपना इंजीनियर बनना है ना? हाँ, तो अपने डॉक्टर के वकालत करना बंद कर तू। बात करने का तमीज नहीं होगा और बोल रही है कि संभाल रहे हैं सब। देख बिरजू, हम नहीं जानते कि हमेशा उनमें तुझे 420 काहे दिखती है, पर तू एक तरफा सोच रहा है इसीलिए। ऐसा कुछ भी ना है, हम रहे हैं उनके साथ, अच्छे इंसान है वो, हम पर विश्वास नहीं करेगा का तू? कालर पकड़ा उसने हमारा। तो अगर तेरे घर पे कोई घुस आता और तेरी अम्मा को कुछ कहता तो कालर नहीं पकड़ता? देख, रानी सा से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी रानी सा आजकल रानी सा को छोड़ के कहीं मत जाइएगा प्लीज। लेकिन हमें बाबूजी से मिलने जाना है। मैं वापस आकर मैं खुद ले जाऊंगा आपको। आपने ये सब जानबूझ के किया ना? आजकल बीमार चल रही है और डॉक्टर साहब बहुत ही स्ट्रेस में है, और ऐसे में हम उन्हें छोड़कर बाबूजी से मिलने चले गए तो उन्हें थोड़ा बुरा लग गया। बस इतनी सी बात है। वही तो रानी, इतनी सी बात थी और इतनी सी बात पे उसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अगर वो चाहता है कि तू की दिक्कत समझे तो ओका फर्ज नहीं बनता वो तेरी तकलीफ समझे? और बाबूजी से मिलना कोनो गुनाह है का? अरे कैसे चिल्ला रहा था वो तुझ पे? रामाधीर काका आज तक तेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की रानी। ऐसे नहीं होता है वीर, फॉर गॉड सेक, हमारी एक परंपरा है, संस्कार है, रजावत है। हम अपने घर की औरतों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे तुमने रानी से बात किया। तो मैं क्या करता पापा? वो इस हाल में रानी साहब को छोड़ के चली गई और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं, कुछ ना कहूं? राजेश्वरी के लिए तुम्हारे कंसर्न समझते हैं हम, लेकिन उस लड़की को देखो, उसका बाप जेल में है, ये इस फास्ट ट्रैक हो गया है, उसकी चिंता भी जायज है। तो ऐसा क्या गलत कहा उसने
वीर, तुम इस तरह से गुस्सा नहीं हो सकते हो। नहीं पापा, मेरा रिएक्शन गुस्से का नहीं, हर्ट हूं मैं, तकलीफ हुई है मुझे, रानी साहब के साथ गलत हो रहा है और मैं चुपचाप खड़े हुए नहीं देख सकता पापा। वीर, शांत हो जाओ। हम हाथ जोड़ते हैं तेरे सामने, हमें ये सब की जरूरत ना है, खुद के लिए खड़े हो सकते हैं हम, तू बस यहाँ से चला जा। देख, विनती करते हैं, मान जा वरना बात और भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, हम चले जाएंगे तेरे लिए यहां से, इस घर से, लेकिन शहर से नहीं, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि तेरे चेहरे की खुशी वापस नहीं आ जाती। फोन लगा विक्रम, लग तो रहा है पर उठा ही नहीं रही है। वीर। जी पापा। ऐसे कहां जा सकती है वो, हाँ? सिक्योरिटी कहां थी? पापा, नंदिनी को सिक्योरिटी थोड़ी रोकेगी। कुर्सी गरम करना छोड़िए, उठिए और जाइए बाहर, ढूंढ ले आए हमारे बेटी को, और इस वक्त हम आपको बहुत कम वक्त देंगे। अरे सब, प्लीज प्लीज, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत अभी वीक है, प्लीज आइए सर, आइए बैठिए। ओह गॉड, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए हमें वीर, डॉक्टर साहब हमें। नहीं रानी, अभी नहीं, रानी साहब प्लीज, नंदिनी मिल जाएगी रानी साहब, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा सब कुछ। डॉक्टर साहब हमें लगता है कि एक बार जय राजा बाबू से बात करनी चाहिए। व्हाट? हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी ना है कि जय राजा बाबू को पता हो वो कहाँ है, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है ना कि नंदिनी दीदी जय राजा बाबू के साथ ही है। पहले भी वो नंदिनी दीदी को बहकाने की कोशिश किए, इसीलिए हम बोले। रानी सही कह रही है, जय इतना आसानी से सुधरने वाला नहीं है, अगर इस बार मेरी बहन उसके साथ हुई ना तो चांद से मार दूंगा मैं उसे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रानी साहब आप रिलैक्स कीजिए, नंदिनी को मैं ढूंढ लाऊंगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई डोंट केयर वीर, नंदिनी को घर वापस लेकर आओ बस। जी रानी साहब, मैं लाऊंगा वापस नंदिनी को, आई प्रॉमिस। हाय माता रानी, उस असुरे शैतान से दीदी का रक्षा करना। यहां तेरी नजर हटी और उधर दुर्घटना घटी, हुकुम को मौका नहीं देना चाहिए चंपा, ना जाने क्या कर दे नंदिनी दीदी के साथ। सॉरी, हम आपका ख्याल रख रहे थे, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। पर हम यहाँ पे, आप सेफ है नंदिनी, हमने बचाया आपको, बस वो आप होश में नहीं थी तो हमने सोचा घर ले जाना ठीक नहीं रहेगा। डोंट वरी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हम वैसे लड़के नहीं है नंदिनी, प्यार करते हैं आपसे, आपकी मर्जी के बिना आपको टच भी नहीं करेंगे। पहले हमारी जान बचाई और अब हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, क्या सच में जय बदल गए? विक्रम, यहाँ वेट करने से कुछ नहीं होगा, आप चलिए मेरे साथ, लेट्स गो, कम।
नंदिनी कहाँ थी आप? हो आप ठीक है? आई आई इसका नंदिनी तू कहाँ थी यार? सब कितने परेशान हैं तेरे लिए, फोन क्यों नहीं उठा रही है? नंदिनी कहाँ थी तुम? नंदिनी इट्स ओके, हमारा बच्चा घर आ गया ना, हाँ चलो। कहाँ थी तुम नंदिनी और किसके साथ? हमारे साथ थी नंदिनी। बता दीजिए क्या हुआ था उस रात? अब तुम्हें वादा पूरा करना ही होगा बाऊजी, बोलो ना क्या है सच? प्लीज बोलिए। रानी बिटिया उस रात बोलो रामू। भी जानना चाहते कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। बताओ ना बाऊजी सच क्या है? देखो ना रामू, हमारी बहू रानी तुम्हारी बिटिया कितनी परेशान है और हम भी चाहते हैं कि वो हमारे घर में खुशी से और शांति से जिए। इसलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। सच बताओ ना बाऊजी। रजानिशा आप यहाँ खंबागढ़ी? फोन कर दिया होता कि आप आने वाली, कुछ चाय नाश्ता मंगाए? उसकी कोई जरूरत नहीं है रजानिशा, वो टेम हो गया, मुजरिम को ले जाना होगा। एक मिनट अब बाऊजी हमें कुछ बताने वाले थे, क्या हुआ था उस रात? बाऊजी बताओ ना सच का है? देखो कल हमारा जन्मदिन और कोरट में तुम्हारी पेशी, ऐसे चुप ना ही रह सकते तुम, कल तुमको सच बताना ही होगा, तुम्हें हमारी कसम। काका कल सच
बताओगे ना बाऊजी? राजेश्वरी को समझना चाहिए कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल वक्त पे आना है। वो क्या है ना कि हमने बहुरानी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी है। हाँ, पार्टी में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। जो भी आपके मन में है दिग्विजय, वो बता दीजिए, क्योंकि आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कोई नहीं जानता है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? राजेश्वरी। खम्मा गड़ी रानी सा। घड़ी खम्मा। आपको एक गुड न्यूज देनी है रानी सा। रामू काका ने अपना स्टेटमेंट बदलने की याचिका डाल दी है। अब वो एकदम असली बयान देंगे। उन्हें अभी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पे वो अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाएंगे। हेलो रानी साहब, आप सुन रही है ना? रानी साहब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतनी खुशी की बात है, और आप भी तो शुरुआत से यही चाहती थी ना। और रानी साहब, रानी का फोन नहीं लग रहा, तो आप प्लीज उसे एक खुशखबरी दे दीजिएगा। हेलो, हेलो, हेलो रानी साहब, सुन रही है ना? हेलो विजय, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मिनिस्टर साहब से बात करके हमने इतना बड़ा स्टेप लिया, लेकिन अगर रामू ने ही अपना बयान चेंज कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फाइनली 12 बज गए, चलो भाभी साहब केक काटते हैं। दादी अम्मा, जन्मदिन मुबारक बहन। अरे पिंकू, कैसा है तू? अरे नहीं नहीं, हम काहे रोएंगे, हम तो बस सब यहाँ पे भी लोग वेट कर रहे हैं। बर्थडे है उनका। अच्छा, हम तुमको कल फोन करते हैं, आराम से बात करेंगे। हाँ, और एक बड़ी खबर के साथ। जय माता रानी। हे रानी, काटना। एक मिनट भाभी साहब, केक काटने से पहले विश तो मांगिए। एक मिनट, हाँ ये लीजिए, अब काटिए और विश मांगिए। हमारी तो एक ही प्रार्थना है माता रानी, बस अब कल पाऊजी हमारे सामने हो, उन्हें पूरी इज्जत के साथ गांव ले जाकर रामाधीर किराना स्टोर की कुर्सी पर बिठा के उन्हें खुश देखना चाहते हैं। जितनी दुआ मांगनी है मांग लो रानी, पर अफसोस कल की सुबह तुम्हारे बाऊजी की आखिरी सुबह होगी। रानी बेटा, सच्चे मन से मांगी हुई दुआ हमेशा पूरी होती है। ऐसे खुशी के मौके पे आंसू नहीं बहाया करते। कम ऑन, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रानी, Happy birthday to you! Hey!
क्या बात है भैया। ससुराल वाले केक तो बढ़िया मंगाए हैं। एक मिनट, हम भी खिलाते हैं तुमको। ले। अरे भाई, आप सबका है शर्मा रहे हैं। आइए आइए, केक खिलाइए और आप भी खाइए, बढ़िया है। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, वेंटिलेटर प्लीज क्विकली। ब्लड बैंक को फोन किया आपने? आई वॉन्ट द ब्लड राइट नाउ, क्विकली। हाँ सर। दीदी दीदी, रानी कैसी है? अब तो कुछ कह नहीं सकते, आप वेट कीजिए। अरे अरे, ये देखो दुकान का कागज, इस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, हम इसे जमा कर देंगे। अगली बार जब आप हमारे साथ बढ़िया चलेंगे ना, तो सीधा अपनी नई दुकनिया में कदम रखना। पर सॉरी राजी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका फोन नहीं उठाने की गलती। जब आपको मेरी जरूरत थी तो आपके साथ नहीं था मैं, वादा किया था मैंने आपसे, पर मैं वो वादा निभा नहीं पाया। आज आपका जन्मदिन है रानी, आपका बर्थडे। मैं बस आपको खुश दिखना चाहता था। आपकी जो हालत है इसका कारण भी मैं ही हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सर। हाँ, या। ड्रेसिंग करवा दीजिए। ओके सर। कैसे है रानी, कुछ होगा तो नहीं ना उसे? काम डाउन बच्चों, खून चढ़ रहा है, शिल बी ऑल राइट, नो वरी। नर्स,
बाकी पेशेंट्स का क्या स्टेटस है? कोई इमरजेंसी? दूसरे हॉस्पिटल से हेल्प आ गई है सर, जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम भी आई है, बाकी मैनेज हो रहा है। ओके, गुड। एक्सीडेंट हुआ था उस साथ हमारी एंगेजमेंट थी और वो घर पर था, तो फिर कैसे वो हो सकता है? अब क्या होगा? वी ने तो कह दिया कि एक्सीडेंट उन्होंने ही किया है, अब उनके झूठ को सच मान लिया जाएगा और उसे अब सजा भी मिलेगी। 19 मार्च को उसकी अगली हियरिंग है। हे भगवान, किसकी नजर लगी हमारे परिवार को? वी जेल में है और यह सुनकर नंदिनी चक्कर खाकर फेंट हो गई। रानी साहब प्लीज आप कुछ कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। देखो इन्हें, इनकी हालत देखो, इनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, अरे आंखें सूज गई हैं रो रो के, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि इनकी गलती है। विक्रम ठीक कह रहा है, इस वक्त हमें रियल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना चाहिए, वीर के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों किया, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बारे में। ये हम कुछ नहीं जानते, हमें प्लीज वीर के पास ले जाइए, हमें वीर से मिलना है। दादी साहब हम जाएंगे उनके पास, आप प्लीज रोइए मत। मैं भी साथ चलूंगी। रानी बेटा तुम अंदर जाओ, आराम करो, हम वीर से मिलकर आते हैं। राजेश्वरी चले। नहीं, हमें यहाँ पे बहुत सारा काम है वीर को छुड़ाने के लिए, आप लोग जाइए, हम जाएंगे, अकेले में मिलेंगे वीर से। चलो चलिए चलो। तुम अपनी खुशी जाहिर कर सकती हो, ये मायूस चेहरे के पीछे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच में लगता है कि हम खुश हैं? जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल गया, तुम्हारा बाप आजाद है, अब वापस क्या लेने आई हो? तुम्हें पता है जब हमें खबर मिली थी कि उस भगदड़ में तुम भी घायल हो गई थी, पहली बार तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें, क्योंकि एक पल के लिए हम भूल गए थे कि तुम्हारी औकात वाले ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं।
जानबूझ के गाड़ी के आगे आना, घायल होने का नाटक करना और फिर पैसे ऐट लेना, ऐसा ही सब कुछ होता है ना? और तुमने भी तो वही किया, हालात का इस्तेमाल किया अपने ही फायदे के लिए। शरी से ऐसा नहीं है, खाई सच है कि हम चाहते थे बाऊजी आजाद हो जाए, लेकिन उनके जगह डॉक्टर साहब जेल चले जाए ये हम सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन वही हुआ ना रानी, एक नौकर के लिए आज जयपुर की रॉयल फैमिली का बेटा जेल के अंदर है। नहीं जानते रानी साहब कि डॉक्टर साहब किस लिए जेल गए, काहे के लिए गए, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं, वो जेल में किसी को बचाने के लिए गए। मेरे परिवार का नाम और सलामती, इन दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उस बात को कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। वो राज राज ही रहेगा रानी साहब। दीमक, जितनी भी दवा छिड़क लो, तुम वो दीमक हो जब तक पूरे घर को खोखला नहीं कर देती तब तक चैन की सांस नहीं लेती। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया, तो पकड़ो अपने बाप का हाथ और लौट जाओ उस गंदगी में जिसकी तुम लायक हो। निकल जाओ हमारे घर से अभी के अभी। पहले दादी साहब, पापा और विक्रम आके गए थे, आप यहां आने की तकलीफ क्यों? क्यों किया है सावीर? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या जो हम सोच रहे हैं वो सच है कि वाकई तुम्हें एक नौकर की बेटी से प्यार हो गया है? और इतना प्यार हो गया है कि तुम अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हो? नहीं रानी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने आपको हर्ट किया रानी साहब, लेकिन उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया रानी साहब। रानी का इसमें कोई कसूर नहीं है रानी साहब। तो फिर किसका कसूर है? हमारा? क्या हम घर चले जाएं, सब कुछ भूल जाएं? हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं तुम्हें जेल से निकालने की, और तुम्हें उसकी पड़ी है। हमारा दिल दुख रहा है वीर, हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं तुम्हें जेल के अंदर देखकर। आप अपने बेटे को इस हाल में देखकर इतना परेशान हो रही हैं रानी साहब? आप सोचिए, रानी अपनी बेगुनाह बाऊजी को इस हाल में कब तक देख पाती? नहीं, तुम इस वक्त कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। कोई बात नहीं, होता है, बच्चे अपने राह से भटकते हैं, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उन्हें सही रास्ते पर लाने की, और हम तुम्हें सही रास्ते पर लाएंगे। तुमने अपना फैसला ले लिया है ना वीर, अब हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। रानी साहब प्लीज, ऐसा कुछ रानी साहब प्लीज, एक बात,
अभी तो अभी भी नहीं लग रहा कि ये सब डॉक्टर साहब ने किया है। क्या सोच रही है बिटिया? बहुत दुविधा में है हम बाऊजी। डॉक्टर साहब गुनाह कबूल करके जेल तो चले गए, लेकिन हम जानते हैं वो ये कभी नहीं कर सकते हैं। हमका भी ऐसा ही लगता है बिटिया। बड़े कुंवर साहब तो हमारे लिए देवता समान है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। बात में तुम्हारी वजह है काका, वो इतना बड़ा आदमी अगर वो चाहता तो जेल जाने से बच सकता था और तुमको सजा होने दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। सुना मैटर का कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाऊजी, तुम कुछ जानते हो का? अब कौनो ऐसी बात जो हमें नहीं पता हो, जिसे डॉक्टर साहब की मदद कर सकते हैं हम? कुछ भी जानते हो तो बता दो ना। बाऊजी, तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा जरूरी डॉक्टर साहब की जिंदगी है। ऐसे ही चुप रहे तो सजा हो जाएंगी उन्हें, जेल में रहेंगे वो। जो भी जानते हो यही सही टाइम है बता देने का, हाँ? वरना देर हो जाएगी। वो बिटिया, वो एक्सीडेंट किसने किया हो तो हम नहीं जानते हैं। हमें तो बस एक तो फोन आया था। फोन? उसमें हमका कहा गया कि इल्जाम अपने सर पे लेना है। किसका फोन आया था? बाऊजी, इस सब पहेलियों को तुम ही सुलझा सकते हो। तुम क्या चाहते हो, जिंदगी भर डॉक्टर साहब जेल में रहेगा? हाँ नहीं ना, कुछ तो बोलो बाऊजी। वो निर्दोष है ना, उनका एक गुना से कछु लेना देना नहीं है। बता दो सच का है कि किसने फोन किया था तुमको? हमका माफ कर देना बिटिया, हम उनका नाम नहीं बता सकते। वो कहे ना कि हम वचन दिए। मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो तुम, हम अच्छे से जानते हैं ना किसी चीज की फिक्र है तुम्हें और ना ही किसी चीज का दुख। अगर पूरी दुनिया में एक आदमी है ना जिसे डॉक्टर साहब पसंद नहीं करते, तो तुम हो जय राजा बाबू। और इसी खातिर यहां से चले जा। जय माता रानी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं भाभी साहब? वीर दोस्त है हमारा, एक टाइम पर हमारा साला हो सकता था। हाँ माना रिश्ते बिगड़ से गए हैं, मगर ऐसे मौकों पर तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और फिर ये तो हमारा अपना परिवार है। रानी साह ने हमें एक मौका दिया है, और अगर इस वक्त पर हम उनके काम नहीं आए तो फिर ये सब तो बेकार है ना। और आप ही बताइए, पूरी दुनिया में कहीं आपको ऐसा परिवार मिलेगा जहां एक मालिक अपने नौकर को बचाने के लिए जेल चला जाता है? पर ये दुनिया वाले कहां समझते हैं, पूरा शहर सिर्फ यही बोल रहा है कि एक मालिक ने सजा से बचने के लिए अपने नौकर को जेल भिजवा दिया, और जब फंस गए तो खुद जाना पड़ गया। वरना हम जहां जाते हैं बस यही सुन रहे हैं, बुरा लगता है, चुभन महसूस होती है इस दिल में। और ऐसे टाइम पर हम चुप कैसे बैठे हैं, आप ही बताइए। इसलिए जानने के लिए चले आए कि ये किसकी वजह से। जय, बस आप यहां आए हमारा दर्द बांटने, उसके लिए शुक्रिया। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें बस वीर को जल्द से जल्द बाहर निकालना है। माजा। शाश्वत जी, पेट, पेट, पेट। आप घर की बड़ी, हम सबकी ताकत, इस तरह अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कैसे चलेगा। लीजिए दवाई लीजिए। देवर जी, अगर डॉक्टर साहब को सजा से बचाना है तो हमें सबूत लगेंगे। बाऊजी के टेम हम कोशिश किए थे, वो जो दुकानिया है ना वहां से सीसीटीवी फुटेज गायब थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बाजार में आसपास कोनो दूसरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हो। आप ठीक कह रही हैं भाभी साहब, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा।
मैं एरिया के एसपी से बात करता हूँ, शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए। मॉम, आप भी अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कीजिए ना, जितनी जल्दी हम असली मुजरिम को पकड़ेंगे उतनी जल्दी ब्रो बाहर आ सकते हैं। प्लीज हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम जेल जाओ वीर, हमें किसी भी हाल में तुम्हें बाहर निकालना ही होगा। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना, जेब काटेगा। हाँ बड़े साहब आएंगे ना तब तेरी कुटाई होगी, तब तक अंदर बैठ। मनन, तेरे से मिलने आया कोई? कुंवर सा, एक बार आप फिर से सोच लीजिए, बिना वकील के कल बेल नहीं मिलेगी। चार लोगों की जान गई है काका, बेल नहीं सजा मिलनी चाहिए मुझे। क्या सोचा फिर तुमने? मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मेरे बाप को एक्सीडेंट में मारने वाले को सजा मिल गई है, लेकिन अभी यही जेल के बाहर भगदड़ हुई ना, तो मुझे पता चला कि असली गुनहगार वो नौकर नहीं, मालिक है। पॉकेट मारने के बहाने से अंदर तो आ गया, लेकिन अभी आगे का क्या? बहुत ईमानदारी फूट रही है ना इस डॉक्टर के अंदर से। सजा चाहिए ना इसे तो मिलेगी, लेकिन कोर्ट नहीं देगा, मैं दूंगा। सजाए मौत। देख एक बार सोच ले, बहुत बड़ा आदमी है ये। बहुत बड़ा आदमी है तो क्या हुआ, जेल में सब बराबर होते मेरे दोस्त। मेरा बस चले ना तो इसी चाकू से उसकी छाती निकाल लो भी। मेरे पास कल तक का टाइम है, क्योंकि कल इसकी कोर्ट में हियरिंग है, इसके फैमिली वाले कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसे निकलवा लेंगे, लेकिन कल तक का वेट मैं नहीं कर सकता, मेरा बदला आज ही पूरा होगा। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। सुना हमने कि आप वकील लेने से भी इनकार कर दिए, जितना ही छोड़ेंगे ना आप। नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी जिद, मेरा फाइनल डिसीजन है ये। ठीक है, आपको अंदर रहकर जो करना है कीजिए, हम बाहर रहकर वो करेंगे जो हमें ठीक लगे। फाइन, आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब, बहुत फर्क पड़ता है, बस दिखाते नहीं हो। डॉक्टर साहब। हमें ऐसे काहे लग रहा है कि डॉक्टर साहब सच में हमसे दूर चले जाएंगे। माता रानी, कहीं डॉक्टर साहब सच में कोनो मुसीबत में तो ना है?
डॉक्टर साहब के लिए आरती करेंगे। आपको उनकी रक्षा करनी होगी माता रानी। इस वक्त हम उनके पास नहीं जा सकते, इसलिए आप ही को उनका साथ देना होगा। मेरे बाप को एक्सीडेंट करके मारा है इसमें, और उसका इंसाफ मैं आज करूंगा। क्यों मारना चाहते मुझे? क्योंकि तेरे जैसे लोगों को कानून सजा नहीं देता। उस रात एक्सीडेंट में मेरा बाप मरा था, और आज तू मरेगा। आदमी ने मेरे बाप को मार दिया, मैंने छोड़ा। ले जाओ इसे यहाँ से और डाल दो दूसरे जेल में। छोड़ो। कुर्सा के लिए पानी लाओ। कुर्सा, अब ठीक तो ना कहीं लगी? हम फाइन हो जाए। कैसा कनेक्शन है ये मेरा रानी के साथ, कि यहाँ मेरे पास ना होते हुए भी वो मेरे साथ है। आज अगर उनकी आवाज नहीं आती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। दूर रहकर भी आप मेरा ख्याल रख रही हैं रानी। आई जस्ट होप कि आप भी ठीक हैं।